पंच तत्व में विलीन हुई समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता। लखनऊ के पिपरा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। बेटे प्रतीक यादव ने दी मुखाग्नि। शोक में डूबा पूरा यादव परिवार। अंतिम संस्कार के वक्त पिपरा घाट पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। दरअसल शनिवार को साधना गुप्ता का गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। 62 साल की साधना गुप्ता साल 2020 में कोरोना संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद उनको लंग इन्फेक्शन की शिकायत हो गई थी। कोरोना काल से ही वो लंग इन्फेक्शन से जूझ रही थी। वहीं दुख की इस घड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यादव परिवार को ढांढस बंधाते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचे थे और साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी थी। इससे पहले शनिवार को साधना गुप्ता के निधन की सूचना मिलने पर भी सीएम योगी ने ट्वीट कर शोक जताया था। सीएम योगी ने अपने शोक संदेश में कहा था कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सीएम योगी के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता साधना गुप्ता के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी भी वहां पहुंची थी। साथ ही एसपी नेता गोविंद चौधरी ने भी साधना गुप्ता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का बहुत लंबा जनसेवा का राजनीतिक इतिहास है और उनके जीवन संगनी साधना जी की मृत्यु उनके लिए नहीं सभी के उनके साथियों के लिए उनके शुभचिंतकों के लिए बहुत ही शोक का विषय है। परिवार गमगीन है, ईश्वर उनको इस दुख को सहने का मादा दे। और ये बहुत दुखद घटना है। 77 से नेताजी से हमारा व्यक्तिगत संबंध है, उनकी आज पत्नी नहीं रही, बहुत दुख है, हम लोग शोक व्यक्त करते हैं। बता दें कि साधना गुप्ता मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी थी और दोनों की प्रेम कहानी बेहद मशहूर है। ऐसे में साधना गुप्ता का जाना मुलायम सिंह के लिए अपूर्ण क्षति है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।